वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी टुगेदर में आपका स्वागत है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है, ठीक है, टर्म टू एग्जाम के लिए जो है डिस्कस आज शुरू करने वाले हैं। और जो चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ जो है शुरू करेंगे। काफ़ी अच्छा जो है उससे क्वेश्चन बनता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। उसको अच्छा से एक वीडियो में तो कम्प्लीट करना मुश्किल है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी 4 पार्ट के अंदर ख़त्म हो जाए, आई होप। ठीक है, उसको शुरू करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट जो है, मैं आता हूँ स्क्रीन में, तो देखो एक मिनट में अपना पेन सेट कर लेता हूँ यहाँ पे पहले। चलिए, तो टर्म टू एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। टर्म टू एग्जाम के लिए जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं फर्स्ट स्लाइड में, क्या है चैप्टर में। नॉर्मली जैसे फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, देख सकते हो आप, तो देखो यहाँ पे बहुत सारा, ठीक है, डेली यूजेस या डेली जो देखने वाला चीज़ है, जैसे शुगर, शुगर क्या आपको पता है, यूज़ भी करते हो डेली, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे शुगर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, C6H12O6, ठीक है, ये है शुगर का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला, सॉरी शुगर का बोल रहा हूँ, ठीक है। शुगर का क्या है, C12H22O11, ठीक है, ये है शुगर का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो शुगर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी कार्बन है, ठीक है। तो डेली लाइफ में जो भी सारे चीज़ यूज़ करते हैं हम, उसमें से मैक्सिमम चीज़ ऐसे हैं जिसमें कार्बन होते हैं, ठीक है। विदाउट कार्बन जो है चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे सेकेंड जो है, देखिए ये क्या है, वुड है, इसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तीनों चीज़ होता है वुड में भी, ठीक है। और अगर वुड नहीं होता तो फर्नीचर कैसे बनाते, और कार्बन नहीं होता तो वुड कैसे बनता। नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूल यूज़ करते हैं, पेट्रोल, ठीक है। और पेट्रोल किससे बना हुआ है, ये भी कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है, ऐसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन है उसका मेन कंपोनेंट, ठीक है। C8H18 जो है मेन कंपोनेंट है पेट्रोल का, और जो किससे बना हुआ है आप देख सकते हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर कार्बन नहीं होता तो पेट्रोल नहीं होता, अगर पेट्रोल नहीं होता आपके गाड़ियाँ कैसे चलते, ठीक है ना। तो कार्बन आप सोच सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, उनके डेली लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं और एक इमेज के साथ, इसको आप ऑब्जर्व करो थोड़ा, जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो, पेपर, बुक, ठीक है, जो भी पेपर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो पेपर जो है उसमें भी कार्बन होता है, ठीक है, पेपर जो है उसमें भी कार्बन होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आप जाते हो कहाँ, विशाल या कोई भी मॉल में जाते हो कपड़ा खरीदने, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा जो कपड़ा आपको बहुत सारे डिज़ाइन का, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चिल्ड्रंस के लिए हो, मिलता है, तो ये जो कपड़े हैं तो इनमें भी कार्बन होते हैं, इनमें भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अगर कार्बन नहीं होता ये कपड़ा नहीं होता, अगर कपड़ा नहीं होता तो आप कुछ इस तरह का घूमते नज़र आते मार्केट में, ठीक है ना। तो कितना ज़रूरी है जो कार्बन आपके लिए, आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। फिर बाद में आते हैं इसमें, ये क्या है, ह्यूमन बींग्स। ऐसा नहीं है कि ओनली ह्यूमन बींग्स का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप एनिमल्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में भी कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, दो एग्जांपल मैं लिया हूँ, एक मेल पर्सन, एक फीमेल पर्सन, उनके बॉडी में भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं, मतलब एनिमल्स में भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं, बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप देखें कि बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि ये छेटो ही है, ठीक है, चीज़ जिसमें कार्बन है, बहुत सारे ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं और हम डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। तो विदाउट कार्बन जो सर्वाइव करना मुश्किल है, विदाउट कार्बन ये सब चीज़ बनना मुश्किल है। तो आप सोच सकते हो कि कार्बन हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो उसके लिए कार्बन के बारे में जानना, सॉरी, जानना
बहुत ज़रूरी है और उसका कंपाउंड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और कार्बन का बंडिंग के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्या हो गया, स्लाइड चेंज क्यों नहीं हो रहा है? हुआ, चलो चलो नेक्स्ट देखो। कार्बन में फर्स्ट को जानने से पहले आपको जानना होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल होता क्या है? यह है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स जो है आपको मिलेंगे, लिस्टेड मिलेंगे, ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर और उनका कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज हुआ होगा। और कार्बन जो है, जैसे हम लोग उनका क्या होता है, आधार कार्ड होता है, कहीं पे भी जाते हैं क्या दिखाते हैं, आधार कार्ड दिखाते हैं, वहाँ से हमारा सारा डिटेल्स, ठीक है, पता चलता है। वैसे ही पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन है, ठीक है, ये इसका आधार कार्ड मान लीजिए, ठीक है, इसका आधार कार्ड है, कार्बन का आधार कार्ड है, ठीक है, इसको देख के आप सारा कुछ चीज कार्बन के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये सिर्फ कार्बन का नहीं, हर एक एलिमेंट का ऐसे आपको आधार कार्ड मिलेगा, किसमें, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और कार्बन सबसे फास्ट एटॉमिक नंबर आपको याद है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम वगैरह का, आप देख सकते हो हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम। वैसे कार्बन जो है, कार्बन जो है कितना नंबर में आता है, सिक्स नंबर में, कितना नंबर में आता है, सिक्स नंबर में आता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे उसका एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, सिक्स, ठीक है। तो उसका एटॉमिक नंबर कार्बन का, अगर मैं बोलूं एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है, तो सिक्स, ये ध्यान रखना है। दूसरा, एटॉमिक मास कार्बन का क्या है, एटॉमिक मास कार्बन का यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो 12.011, बट अप्रोक्सीमेटली हम ऐसे लिख सकते हैं कार्बन का एटॉमिक मास क्या हो गया, 12, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन जो है, ये जो कार्बन है, कितने नंबर ग्रुप और कितने नंबर पीरियड में एग्जिस्ट करता है पीरियोडिक टेबल में। तो आपको जैसे दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं पीरियड, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो कार्बन देखो कहाँ पे है, सेकंड पीरियड में। कार्बन कहाँ पे है, सेकंड पीरियड में आता है। कहाँ पे आता है, सेकंड पीरियड में आता है। और कितना नंबर ग्रुप में आता है ये भी काउंट कर लो, ये है फर्स्ट ग्रुप, ये है सेकंड ग्रुप, वैसे ही लास्ट वाला जो ग्रुप होता है वो 18th ग्रुप होता है, तो उससे पहले 17th, 16th, 15th, देन 14th, ठीक है। तो कार्बन सेकंड नंबर पीरियड में आता है और 14th किस में आता है, ग्रुप में आता है, GROUP, ठीक है। तो कार्बन के बारे में कुछ चीजें जानना और भी इंपॉर्टेंट है। क्या कार्बन का इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले जान लो। कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को अरेंज करता है अपने सेल में, जैसे KLMN आपको पता होगा, ठीक है। तो कार्बन में, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया सिक्स, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा फिगर में आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, ये है कार्बन। अगर सिक्स है उसका के सेल में, ठीक है, चार सेल होता है, के एल और एम देन एन। कार्बन में के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उसी का फिगर यहाँ पे देखो, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको मिलेगा और आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, चार इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पूछे तो क्या बोलना, 2, 4, ठीक है। 2 किस में, K के सेल में, और L, L के सेल में कितना, 4, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 फर्स्ट। दूसरा, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12। तीसरा, कार्बन कितने नंबर पीरियड में आता है, सेकेंड पीरियड, ये रहा, ठीक है। कार्बन कितने नंबर ग्रुप में आता है, 14th, ठीक है। और क्या, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 and 4, 2, 4, ठीक है, कॉमा देखिए, कॉमा यूज करके लिखना है। और फर्स्ट के सेल में कितना, दो इलेक्ट्रॉन, और एल सेल में कितना, चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना जो है बेसिक चीज कार्बन के बारे में आपको जानना
है, ठीक है, जो जरूरी है। अगर इतना नहीं पता आगे जाके आप बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा उसमें दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। फिर यहाँ पे जो पॉइंट्स है उसको समझते हैं काफी ध्यान से, ठीक है। जो पॉइंट है इसको काफी ध्यान से समझते हैं। जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, इट ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना होगा कि दो बॉन्ड के बारे में, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। और कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये कार्बन वाला चैप्टर में काफी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले से थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं दोनों बॉन्ड के बारे में, ये दोनों बॉन्ड होता क्या है, अब कब होता है और किस में होता है और कंपाउंड फॉर्मेशन होता कैसे, ठीक है। उसके लिए हम आते हैं व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए इसको मिनिमाइज करते हैं। आते हैं हमारा व्हाइट बोर्ड में, ठीक है। देखो यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, और कुछ लिखेंगे और समझेंगे कि आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक। चलो एक तरफ मैं लिखता हूँ आयोनिक बॉन्ड और एक तरफ मैं लिखता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड। हालांकि ये क्लास 9th में भी है, ठीक है, बट थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ट्रांसफर होता है, ठीक है, उनका ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। चाहे वो डोनेट करे, दो कंडीशन से बन सकता है, चाहे वो डोनेट करे चाहे वो रिसीव करे, ठीक है। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से, ट्रांसफर मतलब या तो डोनेशन में या तो रिसीव करेगा तब बनेगा, ठीक है। बट कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग की वजह से बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दे देते हैं। सॉरी, जैसे आपको पता होगा आप यूज करते हो क्या, नमक, ठीक है, नमक तो यूज करते ही हो, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, और उसका केमिकल नाम क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड में फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड में। सर कैसे बताता हूँ, देखो इसमें देखो दो एलिमेंट है, फर्स्ट हो गया Na सोडियम, दूसरा हो गया Cl क्लोरीन, ठीक है। अच्छा बताओ Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है और Cl का एटॉमिक नंबर क्या होता है। Na का जैसे हमें पता है Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, और Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, कितना होता है 17। अगर मैं बोलूं Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो आप क्या बोलोगे, मान लो कि Na का एटम है तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, और सेकेंड में कितना रहेगा, और थर्ड में कितना रहेगा, ये बताओ। अगर Cl है तो इसमें फर्स्ट में कितना रहेगा, सेकेंड में कितना रहेगा, और थर्ड में कितना रहेगा, ये बताना है आपको, ठीक है, ईजी है, बता पाओगे। तो देखो इसमें फर्स्ट सेल में कितना रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन मान लो कि यहाँ पे, एक दो, फिर इसमें कितना रहेगा, आठ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, इसमें कितना रहेगा, आठ रहेगा, दो चार छः और ये आठ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एट और टू टेन, और एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ पे रहेगा, आउटर सेल में, मतलब यहाँ पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे, 2 8 1, ठीक। अगर ये 17 है इसमें फर्स्ट सेल में कितना रहेगा, दो, सेकेंड में कितना रहेगा, एट,
फोर फाइव सिक्स सेवन एट, बचा कितना सात, ठीक है तो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे रहेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहाँ पे सेवन, ठीक है थोड़ा ध्यान से समझना। तो यहाँ पे देखो ये जो Na है, ये जो Na है ये तब कंपाउंड फॉर्म करेगा जब किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और कंबाइन करेगा। तो Na का आउटर मोस्ट सेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, और हर एक एलिमेंट, ठीक है ऐसा नहीं कि कोई एक, हर एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, ठीक है वो अपने आप स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल कब होंगे, जब उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है फुलफिल होगा, उनका सेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो फुलफिल होगा। और आपको पता है कि ये फुलफिल होने के लिए कितना चाहिए, इसके और सात इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि फुलफिल के लिए आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है तो यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन और सात इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तब ये जो Na है ये फुलफिल करेगा या तो स्टेबल होगा ये बोल सकते हो। और यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या कहानी है, देखो क्लोरीन के साथ कहानी ये है कि इसमें इसमें क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है सेवन, और इसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो Na है सोडियम है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, क्या करेगा डोनेट कर देगा क्लोरीन को। तो क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, आठ इलेक्ट्रॉन उसका आउटर मोस्ट में, ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये अगर डोनेट कर दिया, इसका आउटर मोस्ट में अभी कितना है आठ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी स्टेबल हो गया। तो ये दोनों कंबाइन किए, कंबाइन करके क्या बनाए, कंबाइन करके फॉर्म क्या किए NaCl, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हुआ, बॉन्डिंग हुआ, वो कैसे हुआ, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे ये ट्रांसफर हुआ किसमें, क्लोरीन में, ठीक है। वैसे ही अगर ट्रांसफर में, ठीक है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से बॉन्डिंग बनता है तब उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है सॉरी। तो सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, समझते हैं इसको, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड ये है जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल क्या है, जैसे मैं ले लिया CN क्लोरीन, क्लोरीन का कितना है एटॉमिक नंबर 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 10 और 7 2 8 7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। Cl2, ठीक है क्लोरीन जब दो, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बोल सकते हो, ठीक है दो क्लोरीन जब कंबाइन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन करते हैं, जैसे एक क्लोरीन है, ठीक है एक क्लोरीन है तो इसमें फर्स्ट में कितना रहेगा दो, सेकंड में कितना रहेगा मैं बोला आठ, ठीक है फिर थर्ड में कितना रहेगा सात, दो चार छः, यहाँ पे दो बना देता हूँ, यहाँ पे मान लो कि एक ठो है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ये हो गया क्लोरीन। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट पे कितना है सात, तो यहाँ पे Cl2 है, ठीक है और एक क्लोरीन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्लोरीन होगा इसमें भी कितना होगा वन टू, और इसमें कितना होगा एट होगा, ठीक है फिर इसमें कितना होगा, इसमें ओब्वियसली कितना होगा सेवन होगा, ठीक। अब इसको कितना चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसको भी आठ चाहिए, इसको भी आठ चाहिए, इसका आउटर मोस्ट में कितना है सात, इसका आउटर मोस्ट में कितना है सात, ये अगर इसके पास सात इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ठीक है और इसके पास भी सात है तो ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो करें क्या, तो दोनों क्या करते हैं आपस में शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग मतलब एग्रीमेंट कर लेते हैं कि तेरा एक इलेक्ट्रॉन और मेरा एक इलेक्ट्रॉन, ये जो है इसको बीच में रखते हैं और दोनों शेयर करते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को अभी स्टेबल मान रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास ये वाला भी है मतलब आउटर मोस्ट में एट हो गया, और ये भी अपने आप को स्टेबल मानता है क्योंकि इसका भी ये काउंट हो जाएगा, इसका भी आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा एट हो जाएगा। तो ये जो हो रहा है ये हो रहा है शेयरिंग, ठीक है कोई किसको डोनेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि जैसे कोई चीज खरीदना है, दो दोस्त है कोई चीज खरीदना है, मान लो उसका प्राइस है 100 रुपीज,
एक जन के पास है 10 रुपीज और एक जन के पास है 90 रुपीज, ठीक है, या तो 80-20 मान लो कुछ भी, तो ना ये खरीद सकता है ना वो खरीद सकता है, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, ठीक है, इसके पास 50 रुपया है, 20-80 है, तो चलो डोनेट कर देगा, तो वो हो गया आयोनिक बंड। मान लो कि एक के पास 10 रुपया, एक जन के पास 90 रुपया, तो इसके पास 10 रुपया वो क्या करेगा, दे देगा, चल तू भी खरीद ले, ठीक है। लेकिन 50-50 होगा, मान लो कि एक दोस्त के पास 50 है और एक दोस्त के पास 50 है, तो दोनों नहीं खरीद सकते चीजें, ठीक है। तो दोनों मिला के चीज को खरीद लेंगे और बोलेंगे कि दोनों यूज करते हैं, ठीक है। वैसे ये कुछ कोवेलेंट बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ट्रांसफर से होता है, ठीक है, चाहे डोनेशन हो चाहे रिसीव हो, डोनेट करने से होगा, रिसीव करने से होगा, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग में जो है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ नॉलेज आपको आया होगा आयोनिक बॉन्ड क्या है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। आइए फिर चलते हैं हमारा स्लाइड में। चलो तो डिस्कस कर रहे थे इसमें, इट ऑलवेज फॉर्म, एक मिनट, देखो, इट ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, जो कार्बन है ना, कार्बन जो है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। कार्बन जो है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया आपको, 2 है और 4 है, ठीक है। अगर 4 है, इसको आउटर मोस्ट में फुलफिल होने के लिए या तो स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है, और एक कार्बन के साथ वैसे ही जिसका 4 है आउटर मोस्ट के, उसके साथ शेयरिंग करता है, शेयरिंग करने से 4 4 कितना हो जाएगा, 8, उसका भी 8, इसका भी 8, ठीक है। तो कार्बन जो है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहां पे दिया हुआ है, इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन ये करोगे, सर ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म क्यों नहीं करता, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाई कार्बन डोंट मेक आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड जो है कार्बन क्यों फॉर्म नहीं करता, उसका 2 रीजन है जो है यहाँ पे देखने वाले। इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कार्बन एक छोटा सा एटम, देखो ये है कार्बन, ये है छोटा सा एटम, अगर ये डोनेट करना चालू कर दे, ठीक है, कार्बन का आउटर मोस्ट में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको ये डोनेट करना शुरू कर दे, ये कार्बन का है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या क्या किया हुआ है, अपना अट्रैक्शन जो पावर है, अपना अट्रैक्शन जो पावर है न्यूक्लियस का, उसको खींच के रखा है सारे इलेक्ट्रॉन को। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दिए, ठीक है, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे, इसको और ज्यादा जोर से ये खींचेगा न्यूक्लियस, ठीक है। उसमें से मान लो और एक निकाल लिए, तो ये जो एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन में अप्लाई होगा, ठीक है, कौन सा, अट्रैक्शन वाला एनर्जी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, काफी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे चाहिए, ठीक है, कार्बन को डोनेट करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी जो है चाहिए, और कार्बन के पास इतना एनर्जी है नहीं कि वो डोनेट कर सकते या तो लूज कर सके 4 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये पहला पॉइंट, इसीलिए ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। तो आप बोलोगे सर और एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ला तो सकता है, ये तो हो सकता है, तो ये ला भी नहीं सकता, क्यों, देखो लिखा हुआ है पॉइंट्स, क्यों नहीं ला सकता, जैसे कार्बन में इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। अगर कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन आता है, इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ रिपल्सिव नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एलिमेंट में अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है, ये छोटा सा एलिमेंट है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 4 जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मान लो कि और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो ये है नेगेटिव, ये भी है नेगेटिव, ये भी है नेगेटिव, चारों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, और जो आएगा इलेक्ट्रॉन वो भी ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव या तो पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आए तो क्या करते हैं, क्या एनर्जी यहाँ पे बनता है, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है, अपने आप को ठेलने लगते हैं, रिपल्सिव, ठीक है। तो ये रिपल्सिव नेचर के वजह से जो है ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ला भी नहीं सकता, ठीक है। तो करे क्या, किसी को दे नहीं सकता, किसी से ला नहीं सकता, तो इसीलिए बेचारा क्या करता है, शेयर करता है, क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है।
और अगर शेयरिंग करता है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म कर सकता, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखो, लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है यहां पे देखो, देखो लास्ट पॉइंट है इट शेयर इलेक्ट्रॉन सो इट मेक कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये तो बता ही दिया आपको, ये सब रीजन के वजह से और इसका शेयरिंग के वजह से ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये पेज में आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, कार्बन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, और वो क्यों आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, इतना ये पेज में इतना ही आपको जानना है। समझ आया? आई होप आपको जो भी मैं डिस्कस किया वीडियो में, आज के वीडियो में समझ आया है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ठीक है, उसमें कार्बन के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे मैं आपको दिखा दूं एक बार स्लाइड कि नेक्स्ट जो है एलोट्रोप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एलोट्रोप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को मिस मत करना, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एलोट्रोप्स के साथ, कार्बन का बहुत ही यूनिक एंड नया टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।